आप लीगल एक्शन ले लास्ट सिक्स लीजिए, मंथ से आपने पेमेंट नहीं करी आप मोहम्मद लीगल इमरान, एक्शन ले इसीलिए आपने लीजिए। लास्ट सिक्स मंथ से पेमेंट नहीं करी। एक ही बस मत बोलिए बार बार, नहीं मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब तक आप एजेंसी का नाम नहीं, आप अगर बैंक के लिए इतने लॉयल है ना सर, तो आपको ईएमआई पे करते रहना चाहिए कंटिन्यू, क्यों नहीं करी पे? आप जब तक क्यों नहीं पे करी, क्यों नहीं पे करी, क्यों नहीं पे करी? नहीं बताएगी विदेशी पे बोलिए मेरी बताएंगे, जब तक नाम नहीं बताएंगे एजेंसी का, जब तक एजेंसी नाम नहीं, मैं कुछ एजेंसी में आके पे करना है, एजेंसी में आके पे करना है, एजेंसी का नाम मुझे पता है, एजेंसी का नाम पता है मुझे, दिमाग का यूज कर लीजिए, एक ही मेरे पास तो बहुत है, आपके पास नहीं है शायद, एजेंसी का नाम बताइए, आपके पास बहुत होता ना तो थोड़ा सा यूज कर लेते, सिबिल बिल्कुल जीरो करके बैठे हैं। अरे माइनस में जाने दो, आपका जा रहा है मेरा जा रहा है, आपका जा रहा है मेरा जा रहा है, मेरा जा रहा है ना, जाने दीजिए माइनस में, यानी आप नहीं करना चाहते पेमेंट, आपने काम है तो जो पेमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, का नाम बताइए उसके बाद में बात करूँ, नहीं बता सकते। हेलो हेलो वेरी गुड, हेलो वेरी गुड मॉर्निंग, कैन आई स्पीक टू मिस्टर मोहम्मद इमरान अशरफ डीलर? हु इज दिस? सर दिस इज सरिता बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑन रिकॉर्डेबल लाइन, एंड दिस कॉल इज रिगार्डिंग, या सर आई एम सेइंग ऑन द रिकॉर्डेबल लाइन बैंक, या एजेंसी नेम प्लीज, सर आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू एजेंसी नेम, दिस कॉल इज रिगार्डिंग फॉर योर, सो लेट मी नो द एजेंसी नेम, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट, लिसन टू मी फर्स्ट सर, दिस कॉल इज रिगार्डिंग फॉर योर पर्सनल लोन, ओके, दैट यू विल टेक फ्रॉम द बैंक। मैं कुछ कहूँ आपसे प्लीज कन्फर्म मैडम? हाँ जी बोलिए बोलिए। अगर आप आपकी एजेंसी का नाम नहीं बता सकते, कल को अगर बैंक ने मुझे कुछ पूछा कि आपकी किस से बात हुई थी, कौन सी एजेंसी से थी, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? सर सुनिए सुनिए मोहम्मद इमरान जी, अगर आप पहले अपने डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करवा दीजिए, मैं आपको सारे डिटेल बता देती हूँ। नहीं मैं ये अननोन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करवाइए, ये कॉल आपको आपके लोन के रिगार्डिंग में किया जा रहा है, जो कि आपने एक्सटर्नल चार्टर बैंक से लिया था, जिसके आपका आवाज सर, आपका आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3,99,006। आपका आवाज मोहतरमा बोलिए, आपका आवाज कट रहा है, मुझे कुछ आपका कन्वर्जेशन समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा रेंज में बात कीजिए, आके नेटवर्क में आके बात कीजिए। सर नेटवर्क में ही हूँ, अब आप सुन लीजिए प्लीज, आपका आवाज कट रहा है ना, इसके लिए मैंने कहा आपको, आप आ रही है क्लियर आवाज, कट कट के आ रहा है आपका आवाज, कट कट कर आ रही है जी, आपका आधा आवाज सुनने में आ रहा है, आधा कट हो रहा है, अभी आ रहा है बराबर, अभी कहिए। हाँ ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि ये कॉल आपको आपके लोन के रिगार्डिंग में किया जा रहा है, जो स्टैंडिंग सर्विस रुपए 4486 और आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3,99,607 रुपए, की ये पेमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपका मई में इस राइट ऑफ में आया है 2003 में, ओके सर? किसमें? अभी 1 मई को आपका राइट ऑफ में आ गया अकाउंट, क्योंकि आपने पिछले 6 महीने से अपनी ईएमआई की पेमेंट नहीं की है, जो आपने लोन लिया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, तो मैं जानना चाहूंगी सर कि लोन कैसे क्लोज करवाएंगे आप? तो मैम मैंने वही कहा ना, पहले आपकी एजेंसी का नाम बताओ, ऐसे ही मैं किसी को अपना डेटा, सुनिए सुनिए इमरान जी, इमरान जी एजेंसी का नाम बताना ऑथराइज नहीं है, तो मैं दिल्ली कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ मैम, नहीं दिल्ली कलेक्शन डिपार्टमेंट, कैसे करेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे क्लोज करवाना चाहते हैं, आपको बैंक में ही भेजेंगे, जो आपके बैंक के थाने में, ठीक है सर, महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी जो भी नियर बाय ब्रांच है वहाँ पे ही आपको भेजेंगे पेमेंट करने के लिए, आपको ये नहीं कहूँगी मैं कि दिल्ली आइए पेमेंट करने के लिए। अरे तो कहूँ मैं कुछ कहूँ आपसे मैडम? बोलिए बोलिए, मैंने वो सारी बातें तो दूर जाने दीजिए कि मैं कब और कहाँ पेमेंट करने जा रहा हूँ, वो बातें सब दूर रखिए, उससे पहले मुझे आपकी जब तक एजेंसी का नाम नहीं पता चलेगा, मैं अपने फाइनेंशियल और पर्सनल डिटेल ऐसा किसी को भी फोन पे कैसे शेयर करूँ, आजकल इतने स्कैम होते हैं, ऑलरेडी डिटेल्स है, तो फिर आप मेरे से डेट ऑफ बर्थ क्यों वेरीफाई करवा रहे थे, डिटेल है तो सर आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर
डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करवानी होती है। अगर कस्टमर नहीं होता तो हम दोबारा से पूछ लेंगे। आप यही पर्सन बोल रहे हैं? उधर उधर ही रुक जाइए। जैसे आपने आरबीआई की गाइडलाइन कहा ना मैडम, तो मैं भी आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही आपकी एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ। मुझे तो संतोष होना कि हाँ ये एजेंसी नहीं है ना। ब्रांच जी आप बेफालतू की बहस कर रहे हैं। आपको लग रहा है बेफालतू की बहस? मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने किस एजेंसी से बात की। कल को अगर बैंक से मुझे कम्युनिकेशन नहीं है एजेंसी का नाम बताने के लिए, एजेंसी के नाम से बियॉन्ड सर आप दिल्ली कलेक्शन डिपार्टमेंट, दिल्ली कलेक्शन डिपार्टमेंट में एक तो बंदा का एक ही तो नहीं है ना, काफी लोग हो गए। सरिता नाम बताया ना मैंने आपको। नहीं नहीं सॉरी मैडम, अगर जब तक एजेंसी का नाम मुझे भी आरबीआई की गाइडलाइन मुझे बताइए लोन क्या। नहीं मैं ये डायरेक्ट बैंक में जाके बैंक से बात कर लूंगा। सॉरी मैं आपसे नहीं कर रहा। आपका केस राइट ऑफ में आया हुआ पता है, बैंक हैंडल नहीं करेगा। आने दीजिए लीगल एक्शन, आप ले लीजिए, आप लीगल एक्शन ले लीजिए, आप लीगल एक्शन ले लीजिए प्लीज। आप लीगल एक्शन इसीलिए यही सोच के लोन लिया था, इंटेंशन इश्यू है आपका। आप लीगल एक्शन ले लीजिए, आपने पेमेंट नहीं करी। आप लीगल एक्शन इसीलिए आपने लास्ट सिक्स मंथ से पेमेंट नहीं करी। एक ही मत ले लिए बार बार। नहीं मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब तक आप एजेंसी का नाम नहीं, आप अगर बैंक के लिए इतने लॉयल है ना सर, तो आपको ईएमआई पे करते रहना चाहिए कंटिन्यू। क्यों नहीं करी पे आप जब तक क्यों नहीं पे करी बताएंगे जब तक नाम नहीं बताएंगे एजेंसी का, जब तक एजेंसी नाम नहीं बताएंगे। मैं कुछ एजेंसी में आके पे करना है, एजेंसी में आके पे करना है। एजेंसी का नाम मुझे पता है, एजेंसी का नाम पता है मुझे। थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लीजिए, एक ही मेरे पास तो बहुत है, आपके पास नहीं है शायद। एजेंसी का नाम बताइए, आपके पास बहुत होता ना तो थोड़ा सा यूज कर लेते। सिबिल बिल्कुल जीरो करके बैठे हैं। अरे माइनस में जा रहे हो, आपका जा रहा है मेरा जा रहा है, आपका जा रहा है मेरा जा रहा है, मेरा जा रहा है ना, जाने दीजिए माइनस में। यानी आप नहीं करना चाहते पेमेंट? आपने काम है तो जो पेमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते का नाम बताइए, उसके बाद में बात करूंगा। नहीं बता सकते, एक बार आपको समझ में नहीं आया कि आपको बोल दिया मैंने कि नहीं बता सकते। तो आपको एक बार नहीं समझ में आया कि अगर आप जब तक एजेंसी का नाम नहीं बताएगा मैं अपना फाइनेंशियल पास आपसे नहीं कर सकता। मुझसे क्या फाइनेंशियल बात करनी है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये लोन कैसे क्लोज करेंगे। नहीं नहीं बताऊंगा मैं, आपने नाम बताया, फर्स्ट टाइम लोन लिया है जिंदगी में, पहली बार लोन लिया है क्या? आपने नाम बताया, आपने जिंदगी में पहली बार काम किया है क्या? फर्स्ट टाइम लोन लिया है आपने, फर्स्ट टाइम काम किया है क्या? आपको आपको जो समझना है समझो, आपके मुंह से कह रहे हैं, आप रिकॉर्डेड लाइन में अपने मुंह से ये सारी बातें कह रहे हैं। मैंने रिकॉर्डेबल लाइन पे बात कर रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ।